गुड इवनिंग, मैं हूं मेघना वर्मा, लोकमत हिंदी न्यूज पे आप देख रहे हैं फिल्मी चुस्की। आइए डालते हैं मनोरंजन की खबरों पर एक नजर। सादगी ओढ़े शातिर जासूस के रूप में फिर से नजर आएंगी आलिया भट्ट, फिल्म राजी का ट्रेलर हुआ रिलीज। हाईवे फिल्म के बाद आलिया भट्ट एक बार फिर से एक दमदार किरदार में नजर आने वाली है। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म राजी में आलिया सहमत नाम की एक ऐसी कश्मीरी लड़की का किरदार निभा रही है जो देखने में भोली है, लेकिन वो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखती है। एक्टर आर माधवन के बेटे ने देश का नाम किया रोशन, कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता मेडल। एक्टर आर माधवन के 12 साल के बेटे वेदांत ने देश का नाम फक्र से ऊंचा किया है। वेदांत ने स्विमिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस खुशखबरी की जानकारी खुद माधवन ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। थाईलैंड एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप 2018 में 1500 मीटर फ्री स्टाइल में वेदांत ने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। माधवन ने इंस्टाग्राम पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा, कि ये मेरी पत्नी सरिता और मेरे लिए गर्व का पल है। कॉमेडियन कृष्णा ने कहा कि गाली देकर फंसे कपिल शर्मा की मानसिक हालत ठीक नहीं है। कॉमेडियन से एक्टर बने कपिल शर्मा की मानसिक हालत ठीक नहीं है। एक पत्रकार को गालियां देने के बाद कपिल शर्मा फिर से मुसीबत में पड़ गए हैं। ऐसे में मशहूर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने एक इंटरव्यू में कपिल के बदलते रवैये पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कपिल की फिरंगी फिल्म की असफलता के बाद उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। फिल्म में कपिल ने काफी पैसा लगाया था और फिल्म पर्दे पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। उनके नए टीवी शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा को भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स न मिलने के कारण उनके दिमाग पर इसका भारी प्रभाव पड़ा है, जिससे वो काफी परेशान चल रहे हैं। रणबीर कपूर को हुई ये बीमारी, एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कर रहे थे इस शो की तैयारी। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर बीमार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे इन दोनों टाइफाइड से जूझ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 9 अप्रैल को रणबीर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण के साथ मिजवान फैशन शो 2018 में रैंप पर उतरने वाले थे, लेकिन कुछ समय से दोनों बीमार चल रहे हैं। जहां दीपिका बैक पेन से परेशान है, तो वहीं अब रणबीर के टाइफाइड की बात सामने आ रही है। चलते चलते हम आपको देते हैं एक छोटी सी गॉसिप। क्या फिर से प्रेग्नेंट है शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत? शाहिद कपूर और मीरा राजपूत शादी के बाद अपने पारिवारिक जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पहले से ही शाहिद और मीरा की एक प्यारी सी 1.5 साल की बच्ची है मीशा। अब खबर सामने आ रही है कि मीरा फिर से मां बनने वाली हैं। हाल ही में मीरा राजपूत एक इवेंट में स्पॉट की गईं, जिस दौरान वो प्रेग्नेंट नजर आ रही थी। मीरा के फिर से प्रेग्नेंट होने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। फिल्मी चुस्की में आज बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए www.lokmatnews.in से। बाय।